सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि वी गॉट लाइक लाइनअप में चेंजेस किए जा रहे हैं। लाइक कल हमें एडमिनों का अनाउंसमेंट देखने को मिला, एंड अभी तो एक और न्यू प्लेयर का एडिशन होना बाकी ही है। एंड अभी जॉनथन के रिलेटेड भी कुछ सीन देखने को मिल रहा है, बट इन सारी चीजों के बीच जेली को भी काफी हेट मिल रहा है। एंड इसी पर इनसेन अरीना भी अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, तो वो क्लिप आप देखिए। आपको क्या लगता है, जॉनथन लीव करेगा तो रिजल्ट वापस टीएसएम एंटिटी जैसा होगा? बताओ ब्रो, जॉनथन लीव नहीं कर रहा है, जितना मुझे समझ आता है जॉनथन लीव नहीं कर रहा है। शर्मा क्यों भाई, जॉनी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा टीम के साथ। अब देखो यार, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा या जो भी है, मतलब मैं तो बोलूंगा उसको, वो तो मैनेजमेंट का देखना है भाई। मुझे प्लेयर्स से ज्यादा मतलब, मेरे को ना दो लोगों का बड़ा ही अभी के लिए ना बड़ा वो फील हो रहा है मेरे को, मतलब क्या ही बोले यार, बुरा बुरा लग रहा है उनके लिए। एंड आई रियली वॉन्ट थिंग्स टू वर्क आउट, बिकॉज एक तो जेली भाई, जेली बहुत ही सिंपल बच्चा है यार, बहुत ही प्यारा बच्चा है। एंड यू नो ही ट्राइंग, अब सब लोग उसको हर जगह से मतलब आ रहा है, ठीक है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है बोलने का। और दूसरे अमर भाई, अमर भाई के लिए मेरे को लग रहा है कि भाई मतलब हर चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं, हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं अब तो, मतलब हर चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं, तो आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हिम, बिकॉज आई नो अमर भाई, मैं उनसे बातचीत हुआ है। पता भाई, मैंने तो खुद अमर भाई को, और अभी पॉडकास्ट भी हुआ था वहाँ पे, मैंने ये बोला भाई सोशल मीडिया बंद कर दो कुछ समय, दैट्स द रीज़न। और देखो यार, नियो को जाने दिया, नियो ने डिसाइड किया जाने का, दोनों टफ डिसीजंस थे, लेकिन अब भाई चेंजेस चाहिए होंगे, चेंजेस उनको लगता होगा कि भाई ज़रूरी है तो किया, बट इसमें दोनों के लिए मैं कहूँगा भाई गुड लक, सब कुछ ठीक है। बट यार अभी तो तुमको जेन्युइनली सोचो ना यार, तुम अगर वहाँ पे होते तो तुम क्या करते? तुम वहाँ होते, इतना सब का नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब एंड में जाके इतना भयंकर डाउनफॉल आया कि साला एक भी प्लेयर नहीं चल रहा है, यू नो लाइनअप ही नहीं फिट हो पा रहा है, वन से लेजेंड्स, हम लोग क्या करते हैं? कोई बिल्कुल डाउन होता है, हम क्या करते हैं? उसे उठाने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब चीज़ें मत करो, ट्राई करो, मोटिवेट करो भाई। तुम सोचो ना, दोबारा से गॉटलिक का वही डोमिनेशन अगर आ गया तो क्या मजा आएगा भाई। आईकू सोल पीक पे बैठी हुई है, क्या मजा आएगा, क्या ही मजा आएगा। आईकू सोल इज सिटिंग एट द पिनेकल राइट नाउ, और जब गॉडलाइक का कमबैक आएगा, ये जो राइवलरी होगी उसके बाद, इस राइवलरी के बीच में और टीम्स आएंगी, जैसे कि कार्निवल गेमिंग, जैसे कि एंटिटी। सो यस गाइस, ऐसा कुछ सीन था अभी का। एंड खैर, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।